हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन स्टेशन ऑफ अकाउंट्स। इसकी पहली वाली वीडियो में अपन ने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू अप्लाइड। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स लिखवाऊंगा, और ये नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, एंट्री करने में काफ़ी मदद करेंगे ये नोट्स। ये सारे पॉइंट्स टू रिमेम्बर है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर लिखा भी है मैंने, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपन एम्प्लॉय रिलेटेड देख लेते हैं कि एम्प्लॉय से रिलेटेड क्या पॉइंट्स अपन को याद रखने हैं उसकी एंट्री करते वक्त, उसकी जब एप्लीकेशन डालेंगे तो उसमें क्या रिमेम्बर करना है कि यार एम्प्लॉय से रिलेटेड पॉइंट्स। सबसे पहला, एम्प्लॉयज इंक्लूड पार्ट टाइम, फुल टाइम, परमानेंट, टेम्प्ररी, एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। इससे अपन क्या समझते हैं, एम्प्लॉयज में पार्ट टाइम कोई काम कर रहा है, फुल टाइम कोई काम कर रहा है, परमानेंट है या टेम्प्ररी है, सब चलेगा, पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स नहीं होने चाहिए। अभी कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस के वर्कर्स क्या होता है, ये वो वर्कर्स होते हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं। एग्जाम्पल अपन सिक्योरिटी गार्ड, जनरली क्या सिक्योरिटी गार्ड्स कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं। वो अपन कॉन्ट्रैक्ट दे दें बाहर कि आप अपने गार्ड भेजो, सैलरी वो देते हैं, अपन डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हैं, अपन का उस गार्ड से कोई सिक्योरिटी गार्ड से कोई मतलब नहीं होता। देयरफॉर एम्प्लॉयज इंक्लूड पार्ट टाइम, फुल टाइम, परमानेंट, टेम्प्ररी, एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। क्यों? क्योंकि इसको सैलरी अपन नहीं दे रहे, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो दे रहा है, अपन नहीं दे रहे। ओके, क्लियर है। चलिए दूसरा पॉइंट एम्प्लॉयर से रिलेटेड, एनी बेनिफिट पेड टू एम्प्लॉयज और इट्स डिपेंडेंट इधर इन कैश और इन काइंड ट्रीटेड एज एम्प्लॉयज कॉस्ट एक्सेप्ट ऑफिशियल रिइंबर्समेंट। ऑफिशियल रिइंबर्समेंट क्या होता है, वो खर्चे जो एम्प्लॉय करता है पर उसे कंपनी से वापस मिल जाता है, वो खर्चा जो एम्प्लॉय ने किया है, समझ रहे, एम्प्लॉय ने जो खर्चा किया है पर वो वापस मिल जाता है कहाँ से, कंपनी से उसे। जैसे कहीं बिजनेस मीटिंग पे गए, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस कुछ खर्चा कर लिया उसने खाने पीने पर, तो वो ऐसे रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस बता के ऑफिस ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आएगा ये, तो ये कंपनी उसको पे करेगी। तो ये जो अमाउंट होता है ऑफिशियल रिइंबर्समेंट, ये अमाउंट एक तरह से अपन का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आया है, डे टू डे एक्सपेंसेस। जैसा कि मैंने बताया था अपन की सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट वीडियो था, उसमें मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का बताया था क्या मतलब होता है, डे टू डे एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, तो ये उसका पार्ट हो जाएगा। देयरफॉर एनी बेनिफिट पेड टू एम्प्लॉयज और इट डिपेंडेंट इधर इन कैश और इन काइंड इज ट्रीटेड एट एम्प्लॉय कॉस्ट। सारे खर्चे जो हैं वो एम्प्लॉय कॉस्ट में आएंगे, ये आ जाएंगे अपन के एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडेड में। पर कोई ऑफिशियल रिइंबर्समेंट है, कोई एम्प्लॉय ने खर्चा किया पर उसे कंपनी से वापस मिला है, वो इसमें नहीं आएगा, वो किस में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में दिखाएंगे, इसमें नहीं दिखाएंगे, ठीक है, क्लियर है। डायरेक्टर, इट इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ डायरेक्टर्स वेदर इट इज पार्ट टाइम, फुल टाइम, एनी काइंड ऑफ, ओके, एनी काइंड ऑफ बेनिफिट पेड टू डायरेक्टर और इट्स डिपेंडेंट इधर इन कैश और इन काइंड treated as director cost, except official reimbursement। ये भी same है, कोई भी प्रकार का पैसा दिया है director को, salary दी, fees दी, commission दी, कुछ भी दी है, अगर अपन कोई ऐसी चीज दे रहे हैं जो उसने खर्चा पहले किया है और उसे officially दे रहे हैं, official reimbursement के नाम से दे रहे हैं, तो वो इसकी इसके application में नहीं आएगी। जो अपन head करते हैं ना to director करके, इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे फॉर्मेट होता है, तो जैसे कि डायरेक्टर का आता है कि टू पे डायरेक्टर्स, तो उसमें अगर अपन को अपन का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑफिशियल रिइंबर्समेंट टू डायरेक्टर, तो ये उसमें नहीं आएगा टू पे डायरेक्टर में। क्यों? क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ना कि एम्प्लॉय इसकी डायरेक्टर की है कोई कॉस्ट। ओके, तो मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में ताकि ध्यान रहे, पार्ट ऑफ
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये बहुत जरूरी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एडजस्टमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको ध्यान से नोट करके रखना। ये पूरे बेसिक हैं, जो भी बेसिक नोट्स हैं जो अपन को एंट्री करते वक्त काम आएंगे, ठीक है। ये डायरेक्टर कंप्लीट हो गया, ओके। थर्ड फाइनेंसर, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इंक्लूड बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल लोन। ये मैंने बताया था आपको पहले क्या होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ये तीनों आते हैं। इसके अलावा और कोई है तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ जाएगा। एनी अदर बोरिंग्स आर लॉन्ग टर्म, ओके। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आर ट्रीटेड एज एप्लीकेशन टुवर्ड फाइनेंसर। हाँ, कोई भी इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म के ऊपर, लॉन्ग टर्म बोरिंग के ऊपर, तो वो फाइनेंसर के ऊपर एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स टू पे फॉर प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल हेड के अंदर आएगा, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स का देख लेते हैं हमें। डिविडेंड पेड एंड पेबल, इस पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना। ये तो अपन समझ जाएंगे डिविडेंड पेड क्या है, तो ये इसी हेड में आएगा डिविडेंड पेड करके। अगर कोई डिविडेंड पेबल है, देना है, दिया नहीं है, वो भी इसमें ही आएगा, इसी हेड के अंदर ऐड होगा, ठीक है। डिविडेंड पेड एंड पेबल आर कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, ओके। डिविडेंड टैक्स इज कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट, दैट इज एप्लीकेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट। अब इस पॉइंट को समझते हैं अपन, ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है। अगर क्वेश्चन में आपको डिविडेंड टैक्स दिया हुआ है, तो डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड किसको देते हैं, शेयर होल्डर्स। तो ये जो डिविडेंड टैक्स दे रहे हैं अपन फाइनली, इसका बेनिफिशियरी कौन है? इसका फाइनल बेनिफिशियरी है गवर्नमेंट। सो इसका एडजस्टमेंट क्या होगा? तो ये जो डिविडेंड टैक्स है, ये अपन ने टू पे गवर्नमेंट हेड में आएगा डिविडेंड टैक्स नाम, ठीक है, क्लियर है ये। और ये मैंने नोट डाल के रखा है, बोथ फाइनेंसर एंड शेयर होल्डर्स कम अंडर वन हेड, दैट इज टू पे फॉर प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल उसमें, ठीक है। ओके, अब इसको मैं रब कर देता हूँ, तो अपन इसके बाकी और भी हैं पॉइंट्स, इसके बाद अपन वो करेंगे। चलिए अब सिक्स पॉइंट है गवर्नमेंट। चलिए तो सबसे गवर्नमेंट को क्या, इनकम टैक्स प्रोविजन कम्स अंडर एप्लीकेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट, ये अपन ने पढ़ लिया है। कोई भी टैक्स प्रोविजन है इनकम टैक्स रिलेटेड, तो वो टू पे गवर्नमेंट के अंदर टैक्स प्रोविजन करके ऐड हो जाता है, ठीक है। और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, ये थोड़ी समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, ऑल दोज टैक्सेस हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ये बहुत ही आसान सी इसकी डेफिनेशन है, जिसका बर्डन शिफ्ट हो जाए। मेरा टैक्स है, मैंने नहीं दिया, मैं सामने वाले राम राम देगा मेरा टैक्स, एक तरह से ऐसा, हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड, ओके। ये भी दो तरह के क्या होते हैं, रिकवर्ड एंड अनरिकवर्ड। रिकवर्ड सबसे, रिकवर्ड जो टैक्स रिकवर हो जाते हैं, रिकवर कौन से टैक्स होते हैं, अब तो एक ही टैक्स है जीएसटी, पहले होते थे वैल्यू एडेड वगैरह, एक्साइज ड्यूटी पहले होते थे, पर अब तो एक ही है जीएसटी। जीएसटी क्या है, रिकवर्ड है। कैसे, एक कमोडिटी बनी उस पर जीएसटी लगा है, तो मतलब 50 रुपए जीएसटी है, 450 रुपए कॉस्ट है प्लस 50 GST, टोटल 500 इसकी MRP है, ओके। तो जब ये मार्केट में कमोडिटी जाएगी 500 रुपीज से, तो अल्टीमेटली ये 500 रुपए देगा कौन, कंज्यूमर। कहीं ना कहीं ये बर्डन किसका था, मैन्युफैक्चरर का, जिसका प्रोडक्ट है, पर उसने कैसे किया, 50 इंक्लूड करके MRP रखी 500, फाइनल सेलिंग कॉस्ट थी 500, तो इसका बर्डन फाइनली किसके ऊपर आया, कंज्यूमर ने 500 दिए। तो ये जो टैक्स रखा था जीएसटी, वो रिकवर हो गया, 450 का गुड बनाया उसने, 50 रुपए जीएसटी अलग से जोड़ के 500 रुपए उसकी सेलिंग कॉस्ट रखी, सामने वाले कंज्यूमर ने 500 रुपए दिए।
कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट कवर हो गई, रिकवर हो गया जीएसटी, क्योंकि बर्डन तो कंज्यूमर ने दिया, शिफ्ट हो गया। तो जो भी टैक्स रिकवर होता है, रिकवर टैक्सेस कहाँ शो करते हैं, ये शो इन द कॉस्ट। कॉस्ट कहाँ आती है अपन की, ऑपरेटिंग कॉस्ट। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में शो होगा ये, जैसे कि अपन ने एक्साइज ड्यूटी शो किया था। क्यों शो किया था, क्योंकि वो इम्पोज हुई थी एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, और वो कॉस्ट इंक्लूडेड थी पूरे अपन की फाइनल कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी में। समझ में आ रहा है क्यों अपन ने उसको एक्साइज ड्यूटी को वहां पे लेस किया था। आगे समझ में, तो ये वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में जाएगी। और अगर ये है अपन की अनरिकवर्ड, अब अपन ने टैक्स दे दिया, अब वो अपन में वापस नहीं आएगा। कौन सा टैक्स होता है जो वापस नहीं आता है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक बार कौन देता है, अगर फर्म ने दिया इनकम टैक्स भरा है तो उसको वापस तो आना नहीं, वो तो गवर्नमेंट के पास चले गया। और जो चीज गवर्नमेंट के पास चले गई वो आ जाएगी एप्लीकेशन टुवर्ड गवर्नमेंट में, तो टू पे गवर्नमेंट प्लस कर देंगे इनकम टैक्स। समझ में आया, अगर रिकवर है तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में कहाँ चले जाएगा, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट वाले में लेस हो जाएगा वहां पे। अगर अनरिकवर्ड है तो गवर्नमेंट में ऐड हो जाएगा, वैल्यू एडेड एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में। क्लियर है ये, और ये नोट है स्पेशल, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन अज्यूम दैट इनडायरेक्ट टैक्स इज रिकवर्ड। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है एक्साइज ड्यूटी, तो अपन को क्या अज्यूम करना है कि ये अपन को रिकवर्ड है, मिल गया है। तो अपन क्या करेंगे, उठा के इसको कहाँ डाल देंगे अपन, वैल्यू स्टेटमेंट का कौन सा सेकंड पार्ट था, बॉट इन गुड्स मटेरियल एंड सर्विसेस, उसमें अपन इसको लेस कर देंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने सेवेंथ एंटिटी, एंटिटी यानी फर्म। इसमें अपन क्या करते थे, जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, सारे जो भी रिटेन अर्निंग्स आएगी उसको ऐड करेंगे, कोई जनरल रिजर्व होगा उसको ऐड करेंगे, और ऑल नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स कैसे, डेप्रिसिएशन, कोई असली में कुछ कम नहीं होता, जैसे अपन बुक्स में शो करते हैं, कोई सा कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है, तो नॉन कैश आइटम में डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, सिंकिंग फंड ऐड हो जाएगा, डिवेंचर के उसमें कोई रिजर्व बना कर रखा है रिडेम्पशन पे वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और रिटेन अर्निंग्स एंड प्रॉफिट क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये अपन का एंटिटी का कॉन्सेप्ट भी हो गया। ये सब अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अब आएंगे एट्थ, ये लास्ट है अपन का इम्पोर्टेंट पॉइंट का, इसके बाद थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में अपन अब करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, एट पॉइंट क्या है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन अज्यूम दैट इनकम, अज्यूम अदर इनकम एज इनडायरेक्ट इनकम। अपन जब वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बना रहे थे, सबसे अपन का जो सेकंड पार्ट वीडियो में था, ओके, उसमें अपन ने मैंने बोला था कि अगर अपन का जो वैल्यू एडेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकल रहा था, तो उसमें मैंने बोला था अगर अदर इनकम हो तो उसमें ऐड कर देना, बोला था कि नहीं बोला था, जो भी वैल्यू एडेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, जो भी अमाउंट आ रहा था यहाँ पे, मैंने अकाउंट ही बना दिया यहाँ पे। ठीक है, ये जो अमाउंट आ रही थी, मैंने क्या बोला, अगर अदर इनकम हो तो उसमें ऐड कर देना। अदर इनकम कैसे, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर मैगजीन्स, स्क्रैप वैल्यू, ओके, वो अदर इनकम इसमें ऐड हो जाएगी, बोला था। और यही इसमें बोला हुआ है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है उसमें कुछ लिखा नहीं है कि यार ये जो अदर इनकम है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट माने सेल्स से रिलेटेड है, तो अपन हमेशा अज्यूम करेंगे कि क्वेश्चन साइलेंट है तो अदर इनकम हमेशा इनडायरेक्ट रहेगी। यानी नीचे जब अपन वैल्यू एडेड निकल जाएगी ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करके, तो नीचे ऐड हो जाएगी वो कुछ जो भी इसका अमाउंट होगा, अदर इनकम इसमें ऐड हो जाएगी, और ये नीचे जो टोटल अमाउंट निकलेगी ये अपन की क्या आ जाएगी, ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्लियर है,
आज अपन ने पूरी थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है और अपन नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ओके चलिए, टिल देन ओके, टेक केयर, गुड बाय।